अक्टूबर 4th से मेरी जो वेट लॉस जर्नी है वो शुरू हुई। इट वॉज वेरी स्लो, बट 20 डेज में मैंने 1 केजी कम किया था। एंड आई वॉज हैप्पी, दैट वॉज माई फर्स्ट विक्ट्री आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। लुक एट द स्माइल ऑन द फेस, आई लाइक ओके आई कैन डू दिस। एंड उसके बाद जो मोटिवेशन मिलता रहा ना, दैट वॉज अनकम्पेरेबल, कोई तुलना नहीं है। नवम्बर 7th, इन 14 डेज आई लॉस्ट अनदर केजी। आप देख सकते हैं फोटो, आई एम लुकिंग अ लिटिल बेटर। 18 नवंबर, 84 केजीज, वाओ, 3 केजीज मैंने कम किए पिछले 1.5 महीने में। इट वॉज अ वेरी नाइस फीलिंग, काफ़ी हल्का महसूस करने लग गया, हल्का। थोड़ा बहुत भी अगर आप वेट कम करते हो ना, इट फील्स वेरी गुड फ्रॉम इनसाइड। लुक एट द स्माइल। 18 नवंबर को एक बहुत फनी चीज़ हुई थी। हाँ, एग्जाम की शायद से लास्ट डे थी 18 नवंबर, एंड ऑन ऑल द डेज व्हेन द एग्जाम्स है, मतलब जो भी लास्ट डे होती है ना एग्जाम की, उस दिन हम लोग थोड़ा बाहर जाते हैं फ्रेंड लोग मिलके। तो उस दिन मैं अपना व्हीकल लेके नहीं गया था, तो मेरा एक फ्रेंड ने अपने 2-व्हीलर पे मुझे बोला, चल राहुल हम लोग वहाँ चलते हैं कुछ खाने पीने, तो पीछे बैठ जा। मैंने उसके 2-व्हीलर पे बैठने की कोशिश की, मेरे जो पैंट है वो एकदम फट गया बीच से। इट वॉज इन 2 पार्ट्स। मैंने उसको कहा, भाई तू बस चला, रोक मत अब। यहाँ बहुत जन है, तू रोक मत अपना 2-व्हीलर को, बस तू घर छोड़ दे, मुझे कुछ नहीं खाना है, घर छोड़ दे तू मुझे। तो बेचारा मुझे घर तक छोड़ने आया है। मैं अपने बैग को ऐसे पकड़ पकड़ के घर में लिफ्ट में गया एंड ऊपर गया। मैं कहा, अपने आप को देखा मिरर पे, मैं ऐसा जीना है नहीं ना। तो मेरे पास 2 ऑप्शन था। पहला ऑप्शन क्या था, इजी, नए पैंट्स लेके आओ, अगर पैंट्स टाइट हो गए तो नए पैंट्स लेके आओ। सेकेंड ऑप्शन, गो बैक टू वॉट यू वर, जैसा मैं पहले था वैसा बन जाऊँ। एंड आई चोज द सेकेंड ऑप्शन। तो उस वक्त मैंने काफ़ी वीडियोज़ देखी एंड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गया यार। मैं बोला, यार अब नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, एकदम नहीं समझ में आ रहा है। मैंने सोचा, चलो एक चीज़ ज़रूर समझ में आया कि अगर BMI जो रेंज है वो 25 लिया हूँ तो आई एम कंसिडर्ड हेल्दी। मैं अच्छा भी दिखता था पहले का जो फोटोज़ है देख के। तो मैं सोचा, चलो BMI 25 मतलब मुझे 76 kg अराउंड आ जाना चाहिए, या 77-76 kg आ जाना चाहिए। ये था 18 नवंबर ना। मेरी जो CA की रिजल्ट्स आती है वो आती है जैन एंड में या जैन मिड में। अगेन इफ़ आई फेल, अगेन इफ आई पास, कुछ पता नहीं, अनसर्टेन। आई वॉन्टेड टू गो टू अ हेल्दी वेट रिजल्ट से पहले। मुझे अपना वेट ठीक करना था, उसके बाद क्या होने वाला पता नहीं, मेंटल स्टेट कैसा रहेगा। तो मैंने एक गोल सर्टेन किया कि 1 वीक में 1 kg कम करूँगा। 1 वीक में 1 kg इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड काफ़ी अनहेल्दी माना जाता है, बिकॉज आप वेट के साथ साथ फैट के साथ साथ मसल लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है अगर आप डाइट ठीक से फॉलो नहीं करोगे तो। फिर भी मैंने चांस लिया, मैंने कहा नहीं मुझे चांस लेना है, मैं करके रहूँगा। एंड मैंने डाइट को बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट किया। 1200 कैलोरी का डाइट था एंड आई हैव टू वॉक 10 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर की वॉकिंग थी। तो मैं ये 2 चीज़ ज़रूर करता था डेली। 18 नवंबर के बाद 8 डेज के बाद 26 नवंबर को 83, 3 दिसंबर 82, 9 दिसंबर 81, 16 दिसंबर 80 kg। आई लाइक वाओ। अच्छा, दिसंबर में ना मैंने स्क्वॉश खेलना शुरू किया। 24 दिसंबर से मेरे हाथ में स्क्वॉश रैकेट एंड पानी का बॉटल, 79 kg। 5 जनवरी, 77 kg एंड BMI हेल्दी हो गया है मेरा, 24.58। 11 जनवरी, 76 kg। आई कुड फिट इन अ टी शर्ट अगेन। तो आपको जो अगर समरी देना है, मुझे लगा 2 साल 76 से 87 होने में। वेट जो इंक्रीज़ है ना वो भी ग्रेजुअली होता है, आप ओवरनाइट वेट इंक्रीज़ नहीं कर सकते हो, ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता है। हमारे जो बुरी आदतें हैं उसको हम लोग
अगर छोड़ दे तो हमारी जो वेट कंट्रोल करने की हैबिट बन जाएगी। 2 साल मुझे जो लगा गेन करने में, मैंने 14 हफ्तों में गवाया उसे, 11 केजीज लॉस्ट। एंड दिस इज़ नॉट अ बैड लॉस, दिस इज़ अ गुड लॉस। 75 केजीज, BMI 23.94, आई वॉज ओके। उसके बाद मैंने मंथली अराउंड 1 केजी लॉस किया। 15th मार्च आप देख सकते हो 74 केजी, 18th अप्रैल 73 केजीज, एंड अगेन 31st में 72 केजीज। फिर उसके बाद पूरे साल मैंने मेंटेन किया 72 से 74। अभी ये जो वेट था, मैंने 74 या 75 के ऊपर नहीं जाने दिया। मैंने जहाँ तक हो सकता था मैंने सोचा इतना में ही मेंटेन करना है, मैं किसी हाल में भी इसको बढ़ने नहीं दूंगा। एंड मेरी जो टेक अवे है, और आप भी इससे क्या सीख सकते हो, कि वेट लॉस करना आसान है, आपको बस एक पॉइंट चाहिए लाइफ में कि आपको मोटिवेट करे। मेरे लिए 2 पॉइंट्स थे, एक वो बलून वाली पिक और सेकेंड पैंट फटना। जी हाँ, तो ये 2 पॉइंट थे कि इट स्नैप्ड मी, लूज योर वेट, यू नॉट हेल्दी। पता, उसके बाद से अभी तक मुझे कोई जॉइंट पेन नहीं हुआ। WHO की वेबसाइट में भी जाते हो आप, पढ़ते हो वेट के बारे में, तो उनका कहना है कि अगर आप हेल्दी BMI मेंटेन करोगे तो आप हेल्दी रहोगे। एंड डाइट भी ऐसा फॉलो कीजिए कि आप उस डाइट को खा सके। इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होती है वेट लॉस में, एक होती है आपकी फिजिकल वर्कआउट, सेकेंड होती है आपकी डाइट। डाइट ये नहीं कि आप सिर्फ सारा दिन वो ब्रोकली लेके या लेट्यूस लेके या कैबेज सूप पी के आप टाइम अपना गवाए और आपको मज़ा नहीं आए, आप 2 दिन में छोड़ दोगे वो डाइट। मैंने देखा है कितनों को कि उन लोग शुरू करते हैं आज से डाइट, कोई फ्राई नहीं, कोई समोसा नहीं, कुछ नहीं, बस हेल्दी ओट्स खाऊंगा, ओट्स दूध ओट्स ले आते हैं, खाते एक टाइम बस ख़त्म, पैकेट कोई खाना ही नहीं है, पैकेट ख़त्म नहीं, पैकेट पड़ा रहेगा, वो आदमी का खाने का हैबिट ख़त्म, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा, कोई वो खाएगा ही नहीं। और फिर क्या खाते हैं डाइट के नाम पे, ग्रीन टी और नींबू पानी, ये सब पीते हैं, मतलब चलता रहेगा उनका, पर वेट लॉस नहीं होगा, क्योंकि उनकी जो हैबिट है ना वो कोर से ठीक करना है। मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ग्रीन टी मत पियो या लेमन टी मत पियो या ओट्स मत खाओ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आप खाओ जो आपको पसंद है बट लिमिटेड खाओ। सब फूड आइटम की ना पीछे में न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन होता है, अगर आप पैकेट फूड आइटम्स खरीद रहे हो, दूध खरीद रहे हो, कुछ में भी, और आप इंटरनेट में सर्च कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स है जहाँ पर आपको कैलोरिक इन्फॉर्मेशन मिलता है। आप अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करोगे ना तो मैं उसमें वीकली कभी ना कभी कुछ डाइट फूड की फ़ोटोज़ डालता रहता हूँ। टू कंक्लूड, आई वुड रियली लाइक टू से कि आप डाइट को मेंटेन कीजिए, आपको जो पसंद है ना, मैं समोसा भी खाता हूँ, मैं मोमो भी खाता हूँ, बट डाइट फॉलो करता हूँ। डाइट मतलब क्या है, अगर दिन में मोमो खा लिया ना तो मोमो में जो कैलोरीज होती है मैं उसको डालता हूँ ऐप में, कैलोरीज ओवर हो गई है, देन मैं क्या करता हूँ, डिनर बहुत कम करता हूँ, मतलब उस दिन डिनर में मैं प्रॉपर हेल्दी फूड खाऊंगा, मतलब कैबेज सूप तो प्लेन कैबेज को उबाल के बस खा लूँगा, बिकॉज इट्स वेरी लेस इन कैलोरीज। मैं काफ़ी रिसर्च करता हूँ, मैं फिर उसके हिसाब से बैलेंस करता हूँ। तो अगर किसी दिन आपको समोसा खाने का मन है तो आप खाओ समोसा, देस नो, हाँ मैं खाता हूँ, पकौड़ा खाने का मन करता है, मीठा खाने का मन करता है, मैं खाता हूँ मीठा भी, पकौड़े भी, समोसे भी, बट देन मैं उसको बैलेंस करता हूँ। वो कैलोरीज को बैलेंस कीजिए, आप नेक्स्ट दिन कम खाइए या पूरे वीक में आप एक डेफिसिट क्रिएट कीजिए, देन इट विल हेल्प यू। ओ, मैं हर समय भूल जाता हूँ, इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइब तो ना करते, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए ना, फॉलो कीजिए, ट्विटर पे फॉलो कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और किसी को अगर मोटिवेट करना है आप ये वीडियो ज़रूर से शेयर कीजिए उनके साथ। यस, तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। Please take care of yourself and your family.